जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम हैं फिलहाल सिटी ऑफ लेक्स में यानी उदयपुर में, और आज हम लोग एक सफ़र पर निकलने वाले हैं दिल्ली की ओर। पीछे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भी है। मैं आपको ले चलने वाला हूँ आज मेवाड़ एक्सप्रेस में, और जानते हैं कुछ खास बातें इस ट्रेन के बारे में, साथ ही साथ यहाँ से नई दिल्ली तक आज के सफ़र को आप लोग इन्जॉय करने वाले हैं मेरे साथ। दोस्तों अभी समय हो रहा है 6:20 और 6:40 में हमारी ट्रेन छूटती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, वो भी उदयपुर के। और अभी थोड़ी शाम है इसलिए आपको ट्रेन वगैरह दिखा पा रहा हूँ, वरना जैसे ही रात हो जाएगी तो ये सभी चीज़ें नहीं देख पाएंगे आप। तो धीरे धीरे पहुँच चुके हैं अब लोकोमोटिव के पास भी। ट्रेन में टोटल 7 स्लीपर के कोच हैं, 6 3-टायर और 2 2-टायर, 1 1st AC, 4 जनरल के कोचेस। ये है अपनी मेवाड़ एक्सप्रेस। नाम मेवाड़ क्यों पड़ा, डिपार्चर के टाइम आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोग देख लीजिए लोकोमोटिव कौन सा लगा अपनी ट्रेन में। तो दोस्तों आज ये भाई साहब लेके जाने वाले अपनी ट्रेन को, वडोदरा शेड का WP73047 रेडी है अपनी ट्रेन को ले जाने के लिए। और यहाँ अपनी मुलाकात हुई कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। हेलो भाई। हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया। आपका नाम क्या है भाई? मेरा सार्थक। और आप भाई? अंकित। सार्थक अंकित भाई, आप पूरा एंड टू एंड ट्रैवल कर रहे हो इसमें? हाँ जी, हम निज़ामुद्दीन जा रहे हैं। चलो, ये लोग भी निज़ामुद्दीन जा रहे हैं और आज संडे का दिन है और एक टूरिस्ट प्लेस है उधर, पूरी गाड़ी पैक है ना? पूरी गाड़ी पैक है। और बाकी नॉर्मल दिनों में अगर आप आओगे तो इसमें आपको स्लीपर 3 AC सभी में सीट मिल जाएंगी। हाँ। लेकिन सैटरडे संडे गाड़ी पूरी ऑक्यूपाइड रहती है। आप उदयपुर से ही हो? नहीं नहीं, हम लोग दिल्ली से ही हैं। घूमने आए थे? हाँ, घूमने आए थे। बहुत ही खूबसूरत शहर है, मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से। तो दिन ही दिन में आप लोग देख लो ट्रेन का स्लीपर भी काफ़ी चमचमा तो रहा है। काफ़ी साफ़ सुथरी है मेवाड़ एक्सप्रेस, ये बात तो माननी पड़ेगी। काफ़ी अच्छे कोच दिए गए हैं स्लीपर में भी, चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया गया है, सीट्स भी बहुत ही साफ़ सुथरी है। चलिए चलते हैं अपने कोच में। बिल्कुल 6:40 हम लोग निकल चुके हैं अभी उदयपुर सिटी से। लोगों को बता रहा था कि इस ट्रेन को मेवाड़ एक्सप्रेस क्यों कहते हैं। अब मेवाड़ एक रीजन है दक्षिण राजस्थान में, जहाँ पे भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर और उदयपुर ऐसे बड़े बड़े शहर आते हैं इस रीजन के अंदर। और इस रीजन को एक दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए मेवाड़ एक्सप्रेस को चलाया गया था। जो पहाड़ के ऊपर आप पॉइंट देख रहे हैं वो है करनी माता व्यू पॉइंट, और वहाँ करनी माता का मंदिर भी है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बिनोमो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ से आप बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों में ईजिली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट मिल जाएगा। जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है आप लोग डेमो अकाउंट से खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कई बार ट्रेड किया, मैं रियल अकाउंट से आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मिनिमम जो ट्रेड वैल्यू है 350 है, हम उससे शुरू करते हैं और आपको बस फोरकास्ट करना है ये ग्राफ है ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। मुझे लगता है अप जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 644 कमा भी लिए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो पैसे हैं आप इसे अपने पेटीएम वॉलेट और बैंक अकाउंट में ईजिली एंड सेफली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। वैसे जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 350 का है, पर अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपके जो पैसे हैं डबल हो जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप इसे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 65,000 डेमो अकाउंट में आपके मिल जाएंगे, जहाँ से आप खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो व्हाई यू आर वेटिंग, जॉइन द ह्यूज कम्युनिटी ऑफ विनोमिस्ट इन इंडिया नाउ। आई एम द विनोमिस्ट, आर यू? जब किसी ज़माने में यह हिस्सा मीटर गेज करा होगा तो उसकी कुछ निशानियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये है अपना पहला हॉल राणा प्रताप नगर, जो कि उदयपुर शहर के अंदर ही आता है। यहाँ से भी काफ़ी भीड़ ट्रेन में चढ़ती है।
तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक स्पेशल ओकेजन का हिस्सा बनाना चाहूँगा। संदीप भाई का आज बर्थडे है और उसका मैं आपको हिस्सा बनाना चाहूँगा। और हम लोग उदयपुर के होटल आर्डेंसी इन में से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोस्टली सभी ओकेजन हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीडम है और जो इस होटल का रख रखाव है वो बहुत ही अच्छा है। तो पहले चलिए जल्दी से सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि कैंडल्स इंतजार करिए। संदीप भाई, बिल्कुल बुझाई जाए। 12 ऑलरेडी बज चुके हैं, आप लोग हमारी शक्ल से भी समझ चुके हैं। नींद भरी हुई है, क्योंकि आज हम लोग मावली गए हुए थे और वहाँ से पूरा स्पॉटिंग करके आ रहे हैं और काफ़ी लेट हो गया था। और उसके बाद सीधा हम लोग टेरेस पे आए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, मैंने सब कुछ सबने बहुत अच्छा अरेंज किया है और अच्छा लग रहा है। चलिए शुरू कर दीजिए। पहले बुझाऊँ कि काटूँ? पहले बुझा दीजिए जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर संदीप भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। और वैसे एक और चीज़, संदीप भाई के 8 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमें 1 मिलियन इसी साल में देखने को मिले। साथ ही साथ भाई के 6 लाख भी पूरे हुए हैं, तो काफ़ी मेहनत इन्होंने भी की है और बस आगे ऐसे बढ़ते रहें, जल्दी से ये भी 1 मिलियन करें और उसके बाद फिर से हम लोग यहीं पे सेलिब्रेट करने आएंगे वापस से उदयपुर। और इस प्लेस को हम लोग आपको रिकमेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे जो मस्ती करने का जो अवसर है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है, जहाँ पे आप नाइट में भी अपने जो फंक्शंस हैं, जो इवेंट्स हैं, उन्हें अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हो। साथ में जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, जहाँ अभी हम लोग खाना खा रहे हैं रात 1 बजे, सोचिए रात 1 बजे आपको खुले आसमान नीचे खाने पीने को मिलेगा। बहुत पीसफुल है और मतलब कि सब पूरा खुला हुआ है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। चलिए भाई, पहले आप खाओगे। भाई भाई, मैंने भैया से ऑलरेडी बात कर ली है, तो अगर आप लोग उदयपुर आ रहे हो, स्टेशन से होटल आर्डेंसी इन टेकरी चौराहे पर है, 1.3 किलोमीटर की दूरी है। और जब भी आप आ रहे हैं, आप अगर हमारा नाम लेंगे तो आपको भैया ज़रूर डिस्काउंट देंगे, क्योंकि 100% मिलेगा आपको। सर का नाम लोगे 100% डिस्काउंट मिलेगा और होटल पास में वो सुबह का रेंट भी नहीं लगेगा आपका। सुबह मॉर्निंग की ट्रेनों से आ रहे हो, जैसे चेतक हो गई, मेवाड़ हो गई, वीरभूमि हो गई, तो आपके पास टेंशन होती है भाई 6 से 12 बजे तक कहाँ समय काटोगे। भैया आपको वो चीज़ भी माफ़ कर देंगे, आप इधर सीधा आ जाओ, स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है टेकरी चौराहे पर, ऑटो आपका 30 रुपये लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आइए। और बहुत ही मतलब जो स्टाफ है बहुत ही ओवर वेलकम है। देखिए हमारे साथ रात 1 बजे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए भैया यहाँ पर रेडी है। थैंक्स लॉट भैया ऐसी सर्विस के लिए, इतने अच्छे खाने के लिए। अभी हम लोग डिनर इन्जॉय करते हैं, होटल के बारे में बाकी चीज़ें आपको जल्दी बताता हूँ। रेलवे स्टेशन से मात्र 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होटल आर्डेंसी इन शहर के दिल में बसता है। यहाँ पहुँचने के लिए बस आपको टेकरी चौराहे आना है। बेहद ही साफ सुथरा रिसेप्शन, जो यहाँ के रूम्स हैं वो काफ़ी कम्फर्टेबल हैं, स्पेशियस हैं, साथ में आपकी सुविधाओं का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। आपके पार्टी और सेलिब्रेशंस के लिए बार एंड रेस्टोरेंट हमेशा ही आपकी सेवा में उपलब्ध होता है। दिन की थकान के बाद अगर आप लोग अपने आप को रिलैक्स करना चाहें तो रूफटॉप पर स्थित स्विमिंग पूल आपका हमेशा इंतज़ार करता रहेगा। वहां पे आकर अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप आसानी से रिलैक्स हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, चारों ओर खूबसूरत पहाड़ों से घिरे हुए उदयपुर के खूबसूरत नज़ारों को आप लोग छत में बैठकर डिनर करते हुए रूफटॉप लाउंज से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो अगर उदयपुर आ रहे हैं तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है और बारिश हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है स्टेशन भी। और अंदर का टेम्परेचर एसी के और बाहर का टेम्परेचर लगभग बराबर ही है अभी। और हमारी ट्रेन बढ़ चली है अब मावली जंक्शन की ओर, जो कि हमारा अगला हॉल्ट है। तो ये है दोस्तों अपनी ट्रेन का इंटीरियर, ये रहे संदीप भाई।
दोस्तों सामने जो आप लोकोमोटिव देख रहे हैं ना, ये मीटर गेज ट्रेन का, और पीछे पैलेस कुन का एक रेक भी खड़ा था। इधर ये जो हिस्सा है, वहाँ जो छोटी सी ट्रेन देख रहे हैं आप, वो है मीटर गेज की ट्रेन। यहाँ है अपनी मेवाड़ एक्सप्रेस, जिसका यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। 7:20 से 7:22 तक बस यहाँ रुकती है अपनी ट्रेन, और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप कभी मावली जंक्शन आ रहे हो ना, तो यहाँ की रबड़ी ज़रूर ट्राई करना, साथ में पोहा अगर ब्रेकफास्ट टाइम पे हो तो वो ज़रूर ट्राई करना। फिलहाल डिपार्चर सिग्नल हो गया, पटाख से चलते हैं ट्रेन के अंदर। मारवाड़ से चलकर मावली के बीच आने वाली मीटर गेज ट्रेन खड़ी हुई है, छोटी लाइन की गाड़ी उसे कहते हैं, इसीलिए मावली जंक्शन को जंक्शन कहा जाता है। और भी रेक्स करें उसके, तो यहाँ हम लोग 113 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँच चुके हैं चित्तौड़गढ़ जंक्शन। यहाँ से एक लाइन नीमच मंदसौर होते हुए रतलाम की ओर गई हुई है, जहाँ पे वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस जाती है जिस रूट पे, और अभी एक और लाइन जो बूंदी होते हुए कोटा की ओर जाती है, जिसमें अभी हम लोग बढ़ जाएंगे। और मावली वाली लाइन से तो हम लोग आ ही रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसे क्यों इतना बड़ा जंक्शन कहा जाता है। साथ में यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें सभी आपको मिल जाएंगी, जैसे पोहा, समोसा, बर्गर, ऐसी सभी चीज़ें स्टेशन में अवेलेबल है, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत खाने पीने की यहाँ पे होने वाली है नहीं। ट्रेन यहाँ पे 8:25 ही पहुँच गई है, और 9:05 तक ट्रेन यहीं पे रुकी रहेगी, सफिशेंट टाइम भी हमारे पास। कुछ खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ यहाँ पर। एक और चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, जिस डायरेक्शन से ट्रेन अभी आई है ना, इसी में हम लोग वापस जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव रिवर्सल है। बूंदी वाले रूट, कोटा वाले रूट जाने के लिए ट्रेन में जो हमारे लोकोमोटिव है उसे पीछे से निकाल दिया जाएगा, इस डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी, और कोटा में वापस से यही चीज़ होने वाली है। कोटा में भी एक और रिवर्सल है, ट्रेन उल्टे डायरेक्शन में जाएगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर ट्रेन उल्टा चले तो। ये हमारे अनिरुद्ध भाई है, एज ऑलवेज ओपन द चैट। क्या है ये? बर्गर। ओहो, बढ़िया लग रहे हैं यार, देखते हैं स्वाद कैसा है। वही स्टेशन में काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी, पकोड़े वगैरह, समोसे, पूरी सब्जी और कुल्हड़ में लस्सी। क्यों संदीप भाई, चाय पकोड़े कर रहे हो? देखते हैं कैसा। भाई ये है चित्तौड़गढ़ के वड़ा पाव और पोहा। कैसा है संदीप भाई टेस्ट? संदीप भाई पोहा कैसा है? अच्छे, थोड़े ठंडे हो गए तो, लेकिन बाकी टेस्ट टेस्ट अच्छा है। कैसा है? साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ना, बहुत ज़्यादा। और बाकी टेस्ट कैसा है? 10 में रेटिंग बता दो बस। 10 में से 8 मतलब अनुरोध भाई की तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि 8 रेटिंग तभी देता है कोई इंसान। बस दोस्तों अभी हम लोग जिस डायरेक्शन से आए थे उसी में वापस हो रहे हैं। अगर हमारी ट्रेन को रतलाम जाना होता तो हमारी ट्रेन में रिवर्सल नहीं होता, सीधा निकल जाते, पर खैर हमको रतलाम तरफ नहीं जाना है, हम कोटा तरफ जा रहे हैं बूंदी होते हुए, तो हमारी ट्रेन वापस से सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है, और अब हम मावली तरफ नहीं जाएंगे, कोटा तरफ निकल जाएंगे। अगर आपको कोई चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखना है तो वो इस तरफ है, स्टेशन के पीछे आपको दिखेगा। खैर आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो शायद है कि लाइट वगैरह भी ना दिखे। स्पार्किंग जो लगातार हो रही है, बादल जो है लगातार गरज रहे हैं, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म आपको बड़ी आसानी से देखने को मिलेगा।
भाई लोग यहाँ अपनी ट्रेन तो चल चुकी थी चित्तौड़गढ़ से, लेकिन मुझे लगा था पानी वहाँ भरा जाएगा, पर पानी ख़त्म है सभी टैप में, पानी वगैरह नहीं आ रहा है। इस चीज़ की दिक्कत सभी यात्रियों को हो रही है ट्रेन में। अब ट्वीट किया जाएगा रेलवेज़ को और कोटा में कोशिश की जाएगी कि ट्रेन में पानी भर जाए, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। फिलहाल बूंदी स्टेशन थोड़ी देर में आने वाला है, पानी नहीं आ रहा है इसमें, कोच में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और भाई यहाँ पे ऐसे लोगों ने गंदगी भी फैला दी है, बिल्कुल गलत आदत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ट्वीट किया जाए और देखते हैं रेलवे से क्या मदद पहुँचेगी हम। दोस्तों काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे बूंदी, और बूंदी के लड्डू वाली जगह नहीं है भाई यहाँ पे, लेकिन 40 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुँच गई। और यहाँ पे हमें मिले हैं प्रभात भाई, और जो कि IIT के स्टूडेंट हैं और आज मेवाड़ में ट्रैवल कर रहे थे, उदयपुर घूमने गए थे, है ना भाई? भाई कैसी लगी अभी तक गाड़ी? अरे गाड़ी तो एक नंबर है, बहुत ही अच्छी। साफ सुथरी है? साफ सुथरी तो अच्छी है, मतलब गाड़ी का मेंटेनेंस भी अच्छा है। बहुत बढ़िया गाड़ी लगी हम लोग को, वैसे मुझे पर्सनली अच्छी लगी। मैंने सोचा एक पैसेंजर रिव्यू भी आप लोग को बता दूं। बस एक चीज़ है कि काफ़ी पहले पहले पहुंच जा रही है सभी जगहों पे, और यहाँ पे हमें 40 मिनट तक बस टाइम पास करना है ऐसे ही, क्योंकि अभी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी बिफोर है और कोटा में रिवर्सल भी होने वाला है। और हमारे कोच में जो पानी वगैरह भरने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी बाकी है। जो ट्वीट है उसका रिप्लाई आ चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब देखते हैं कोटा में क्या होता है। और हम इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया कि भाई हमारे कोच में पानी नहीं था, इनका जस्ट अगला कोच है, तो हम इनके कोच में जा रहे हैं हाथ वगैरह धोने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। कोटा पे मिलेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ी और बातें होंगी आप लोगों से। बस 40 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं बूंदी रेलवे स्टेशन से भी। दोस्तों काफ़ी देर यहाँ पर रुके और काफ़ी मस्ती भरा समय था यहाँ का। बारह बज के 5 मिनट पर हम लोग अब कोटा जंक्शन पहुंच रहे हैं। दोस्तों अभी जिस डायरेक्शन से आप हमारी एंट्री देख रहे हैं, थोड़े समय में एग्जिट भी आप इसी डायरेक्शन से देखने वाले हैं, क्योंकि यहां पे हमारा एक और रिवर्सल होगा। अभी कहाँ से आया था आपको इसमें लगाने का पानी? कंट्रोल से मैसेज आ गया, कंप्लेंट करी थी वहाँ से आके। चलो चलो थैंक यू भैया, लगा देना। नहीं नहीं बस 2 मिनट चेक कर लो मोटर में। तो दोस्तों यहाँ कोटा पे ट्रेन में पानी भरा जा रहा है, जांच हो चुकी है ट्रेन की, और अब कोटा में फाइनली पानी भरा जाएगा, दूसरी तरफ से पानी भरा जाएगा। आ गया पानी, थैंक यू भैया। दोस्तों फाइनली हम लोग कोटा जंक्शन पहुंचे और यहाँ पे हमारे दो दोस्त और मिले। भाई आपका नाम? अजय। अजय और भुवन। और आप भी कानपुर से ही हो ना? कानपुर से। और कैसे देखा भाई अभी? अभी जस्ट उतरे, आपको देखा, आपका यूट्यूब चैनल देखा। सोए नहीं आप अभी तक? नहीं नहीं यार, अब लोग को अब क्या सोए, नहीं दिल्ली तक जागो हुए क्या? उदयपुर घूमने गए थे अभी। कैसा लगा शहर? मजा आ गया भाई, सच में बहुत अच्छा शहर है। और कोटा पे हमारी ट्रेन में इस कोच में पानी नहीं आ रहा था, मैंने कंप्लेंट किया था, वो फाइनली अब आ गया, सब कुछ सक्सेसफुल। कचौरी ट्राई की कोटा की? हाँ, अभी खाने ही जा रहे थे भाई। चलो ट्राई करते हैं, यहाँ पे स्टॉल है, कुछ ट्राई किया जाए, देखते हैं कोटा का खाना पीना कैसा है। टेस्ट भाई अपने यहाँ के हिसाब से कैसी है? रिकमेंडेड है बिल्कुल। आपको कैसे लगा भाई? सही है। संदीप भाई भी यहाँ पे ट्राई करने में शर्मा रहे हैं, ट्राई करो यार। कैसी है? ठीक है ना, काम चलेगा। तो दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम कोटा की ये कचौरी ट्राई कर रहा हूँ, और जो स्वाद है काफ़ी सही हो, मतलब इसी के लिए जगह हुआ था यहाँ तक कि चलो कोटा में आपको रिवर्सल भी दिखाऊंगा, कचौरी भी ट्राई करूँगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेवाड़ एक्सप्रेस का काफ़ी अच्छा था,
और ज़्यादातर जो है इसमें टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, इसलिए मैंने आपको उदयपुर के कुछ घूमने वाले नज़ारे भी दिखाए, जो शॉट्स दिखाए। बताइए ज़रूर आप कभी अगर आप कोटा आए हैं और अपने यहाँ की कचौड़ी ट्राई की है तो कैसी लगी थी आपको। अगर रूट्स की बात की जाए तो कोटा से गुना होते हुए भोपाल और ग्वालियर के लिए भी लाइन गई हुई है, और यहाँ से रतलाम की ओर लाइन गई हुई है, और हम लोग सवाई वाली लाइन पर बढ़ने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ बूंदी वाली लाइन से आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है कोटा जंक्शन की। और यहाँ पे जो हमारी ट्रेन है एकदम समय से पहुँची थी और समय से छूटने भी वाली है, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आज की है मेवाड़ एक्सप्रेस, जो कि निज़ामुद्दीन से उदयपुर की ओर जाने वाली है। मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, लगभग एक नंबर पे ही आती है अपनी दिल्ली जाने वाली मेवाड़, और उदयपुर जाने वाली लगभग 3 नंबर पे। और कोटा की जो कचौड़ी है, अगर आप लोग भूखे हैं तो आपके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। बाकी ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो कचौड़ी मिलती है वो इससे डिफरेंट होती है, पर स्टेशन में जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं उनकी क्वालिटी और बाहर मिलने वाली चीज़ों की क्वालिटी में अंतर तो आप लोग समझते ही हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। बाकी जो चाय है ये भी एक पानी है समझिए, गर्म पानी आपको मिल रहा है, तो देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे राइट टाइम हमारा डिपार्चर भी हो चुका है कोटा जंक्शन से, और आप लोग देख सकते हैं जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन से हम लोग अब वापस हो रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली समय काफ़ी हो चुका है, अब सो जाते हैं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अर्ली मॉर्निंग शॉट के साथ, और देखते हैं अपनी ट्रेन कब पहुंचती है हज़रत निज़ामुद्दीन। वैसे टाइम तो 7:10 AM का है, पर देखते हैं क्या होता है कल सुबह। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं बल्लभगढ़। यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम था 6:30 का और ट्रेन यहाँ पे निर्धारित समय से आधे घंटे पहले ही पहुँच गई थी। यहीं पे हम लोग ने सनराइज वगैरह देखी क्योंकि रास्ते में धुंधी धुंध थी। और बाकी जो सफर रहा ना मेवाड़ का, बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ तक ट्रेन लगातार 130 KMPH की रफ्तार में चलती चली आ रही है कोटा से। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, कैसा लगा बताइए जरूर। और देखते हैं निजामुद्दीन हम लोग कब तक पहुँचेंगे। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं बल्लभगढ़ से और यहाँ पे आप लोगों ने अभी जो ट्रेन ओवरटेक करते देखी वो थी यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला दुरंतो एक्सप्रेस। और जो क्रॉसिंग आपने देखी हाई स्पीड शताब्दी की वो थी नई दिल्ली हबीबगंज भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, भारत की दूसरी सबसे तेज ट्रेन। पहली सबसे तेज ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से, पहली सबसे तेज ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से झांसी के बीच में चलने वाली अपनी गतिमान एक्सप्रेस है। खैर हम लोग चल चुके हैं बल्लभगढ़ से एग्जैक्टली 6:33, देखते हैं निजामुद्दीन में अराइवल। तो दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन हम लोग 10 मिनट के डेली के साथ पहुँचे हैं। और मेवाड़ एक्सप्रेस के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं, ये एक डेली ट्रेन है और साथ ही साथ काफ़ी साफ़ सुथरी एंड पंक्चुअल ट्रेन है अपने रूट की। खाना पीना आपको इस ट्रेन में नहीं मिलता है और आपको सभी चीज़ें अपने और जो स्टेशन आते हैं रास्ते में उनसे कैरी करना पड़ेगा, इनफैक्ट पानी भी। और अभी कोविड काल के बाद से इस ट्रेन में आपको ब्लैंकेट और पिलो वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हम लोग आ चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन, पीछे हमारे भारत की सबसे तेज़ ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस खड़ी हुई है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, मिलूँगा आप लोगों से ऐसी और आने वाली जर्नीज़ में। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए भारत के हर कोने को मेरे साथ। और इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इंस्टाडी द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं अपनी जर्नी अपडेट्स वगैरह और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड फोटोज वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मिलेंगे ऐसे ही और आने वाले जर्नीज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।